गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, पिछले क्लासेस में ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको मैथमेटिकली भी प्रोसेस से प्रूव कर चुके। अब उसका नेक्स्ट अप्रोच जो है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड, और एक और इम्पोर्टेंट है सर्कुलर मोशन में जो उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कंसिडरेशन है वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। आइए पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे करें। ग्राफिकल मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एस इक्वल्स टू वी, इसको इक्वेशन को देखने से तुम्हें यह फील हो रहा है यह इक्वेशन जो है यूनिफॉर्म मोशन का है, बिकॉज देयर इज नो एनी टर्म फॉर एक्सेलरेशन। इट मींस द वेलोसिटी विल ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी मोमेंट, इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। And if the velocity is constant during the motion, then the nature of motion will be uniform and the graph which will represent such type of motion will be a straight line. Okay? अब यहाँ इसको अगर graph से हमें represent करना है, जैसे देखिए, अगर velocity constant है, हम यहाँ पर velocity versus time graph draw करें। ओके okay? ये जो दोनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इधर एक्स है, इधर वाई है, ये ओरिजिन है, इधर ये वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विल बी इन सेकेंड। ठीक है, अब यहां देखिए जो लाइन मेरा मतलब है जो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करे उसके लिए वेलोसिटी को क्या करना है, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहना चाहिए मतलब थ्रू आउट द मोशन दैट मूविंग बॉडी विल ऑलवेज मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। टाइम विल चेंज, इट मींस टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ इस टाइप का, बट वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विल ऑलवेज कॉन्स्टेंट। हियर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी जो होगा वह 1, 2, 3, 4, 5 सभी सेकेंड के लिए 5 मीटर हो जाए या फिर 10 मीटर या कोई भी एक ही वैल्यू रहे थ्रू आउट द मोशन, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा, यह ग्राफ मान लीजिए ऐसा है 5 सेकेंड का ड्यूरिंग द नेचर ऑफ मोशन ड्यूरिंग 5 सेकेंड विल बी मूव्स लाइक दिस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकेंड। And if the velocity of body will be 10 meter per second during 5 meter, then how much distance it will cover? ठीक है? तो velocity versus time graph का हम लोग इसको equation में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, let a body moving with constant velocity, constant velocity v, let a body moving with constant velocity v या shown
इन द ग्राफ, ठीक है, एज शोन इन द ग्राफ, ये ड्यूरिंग द टाइम टी एज शोन इन द ग्राफ, ठीक है, एज वी नो दैट is covered by the moving body is given by the area of the graph, समझ रहे, यह जो मूविंग बॉडी है उसका ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है, जो उसका एरिया है, अर्थ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो उसके एरिया से हम लोग इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहां इसका एरिया कैसे पता चलेगा, तो आप ये देखो, यह ग्राफ जो है, यह ग्राफ ही उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि उसका एरिया क्या है, जो सेलेड पोर्शन है वही उसका एरिया होगा। तो यहां इस केस में हम लोग जो देखें कि ग्राफ क्या होगा, तो इधर वाला यह भी है, यह पूरा ये भी है, और इधर ये जो है ये भी है। अगर ये भी है, यहां देखिए जीरो से टेन मतलब ये भी है, तो ये उसका पैरेलल ये भी ही होगा। और ये अगर यहां से जीरो से लेकर के फाइव सेकेंड यह एक्सिस मतलब टाइम बता रहा है, तो इसका जो पैरेलल लाइन ये है वो भी टाइम टी ही बताएगा। तो यहां अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज is equals to area, इसको यहां O A B and C, ठीक है, O A B C area of the rectangle O A B C, ठीक है, O A B C देख रहे हैं, यहां इस फिगर में हमने O A B C लिंक किया है। अब वह क्या है, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यह हमें पता है, A क्रॉस B बोलते हैं। यहां पर देखिए उसका लेंथ जो है तो टाइम बता रहा है, और जो विड्थ है वो उसका वेलोसिटी बता रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं L क्रॉस B, इसको लिख सकते हैं जो लेंथ L है वो है हमारा O C इंटू जो B है वह O A है, O A है, इसको आप लिखो OC क्या है, तो टाइम है T इंटू OA क्या है, तो OA वेलोसिटी। इस तरीका से जो ग्राफ है हमारा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसी चीज को आगे भी हम लोग लिखते रहेंगे, क्योंकि यह जो स्टार्टअप लाइन होता है वह जस्ट हमको कोई भी इक्वेशन हो उसको प्रूव करने के लिए, अगर उसको मैं उसको ग्राफिकल मेथड से चलेंगे तो उसे हम लोग इस चीज को हमेशा रिप्रेजेंट करते रहते हैं।
तो इस चीज को आप फाइनली आप लिख सकते हैं, जो टोटल टोटल डिस्टेंस है ये है हमारा एस, और यहाँ आया क्या आया वी और टी, ये ऐसे भी लिखते एस इक्वल्स टू वी टी, तो ये डिजायर्ड इक्वेशन था, ये प्रूफ हो गया। अगर वहां पर देखा जाए एस इक्वल्स टू वी टी का वैल्यू क्या होगा, यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ में क्या है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू कितना है 5 सेकेंड। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 × 5। अब देखिए इसका यूनिट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है मीटर है, तो हम हर बार तुम्हें सिखाते हैं कि जो उसका यूनिट है वह यूनिट जब हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो आना चाहिए डिस्टेंस है मीटर आना चाहिए। यहाँ पर साथ साथ में देखिए 10 मीटर पर सेकेंड मतलब डिवाइडेड बाय इंटू टाइम, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड, ये सेकेंड इस सेकेंड को कैंसिल करेगा इज इक्वल्स टू 10 × 50 मीटर। तो इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन में आता है प्रूव करने के लिए तो जितना इसका स्टार्टिंग लैंग्वेज जो हम लिखे हैं रिलेट अकॉर्डिंग टू व्हिच इज गोइंग टू द मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी लाइक भी, इस चीज को फॉलो करें क्योंकि यह उसका स्टार्टअप लाइन यह हमें बताता है उसका जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। चलिए इस चीज को कवर कर लिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका हम अगर कहें कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो या फिर आइए पहले हम लोग ना ये ड्रॉ किए हुए हैं इससे जो दूसरा इक्वेशन है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को चेंज करके एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट। यहाँ पर जो दूसरा ग्राफ ऑफ इक्वेशन है हमारे पास वो है v इज इक्वल टू u प्लस और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ के स्क्वायर। इस v इज इक्वल टू u प्लस at को अगर हमें प्रूव कर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे ड्रॉ करें, जो लैंग्वेज था उस इक्वेशन में लैंग्वेज सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे। लेट अ बॉडी हर बार मैं लिख रहा हूं इसीलिए क्योंकि जब एग्जामिनेशन में पूछे तो उसके कंप्लीट मेथड को तो लिख सकते। लेट अ बॉडी विच डिस्चार्ज फ्रॉम रेस विच वेलोसिटी U, सॉरी यहां पे इनिशियल है तब तुम्हारे लिए क्लियर होगा, इनिशियल वेलोसिटी U, ओके एंड रीचेस the final velocity v in time t, okay। During this journey acceleration of
the body is A. Okay, इसलिए लाइन को ना हर इक्वेशन से पहले लिखते क्योंकि इसी पे बेस्ड हम लोग ग्राफ करते हैं। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ हमें ड्रॉ करना है कौन सा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, वेलोसिटी है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। एक्स एक्सिस पर टाइम, टाइम किसमें है? सेकेंड। ओके, अब यहां पे यह जो स्टार्ट हो रहा है वह बॉडी, वह किसी से स्टार्ट हो रहा है? यू वेलोसिटी से, मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जीरो होगा। समझ रहे हैं? जैसे अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, देखिए ओरिजिन से ड्रॉ किया मैंने इस लाइन को, ये इसका ओरिजिन है। उस वक्त इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या बता रहा है? कितना है इनिशियल वेलोसिटी? जीरो बता रहा है। देख रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इवेंट, तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी विल बी जीरो, बट इन अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन दैट इज नॉट जीरो। सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज? द चेंज टाइप इज, ये ग्राफ जो है या लाइन जो है वह जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? वो x एक्सिस पे, मतलब ये x एक्सिस पे कहीं, कि y एक्सिस पे कहीं से स्टार्ट होगा। देखिए यह ग्राफ जब भी स्टार्ट होगा तो यह एक y एक्सिस पर से स्टार्ट होगा, इसलिए क्योंकि x एक्सिस पे टाइम बता रहा है। इस पे अगर कहीं से आप स्टार्ट करते हो तो टाइम वो दो सेकंड पांच सेकंड तक रेस्ट में था, उसके बाद चलना शुरू हो गया, ये बता देगा। लेकिन वेलोसिटी ये यहां बता रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना? और फिर ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ। अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली जैसे यहां देखिए, यह ओ माने है तो इस यहां पर ए दीजिए, यह बी दीजिए, ये सी दीजिए और ये यहां पर डी दिया है। ठीक है, तो इस सभी लाइन्स पे अब यहां ओ ए यू है तो सी डी भी यू होगा। ठीक है, बट बी सी हमें नहीं पता है, कितना होगा यह हमें नहीं मालूम है, लेकिन ओ डी जो है वह डी है तो ए सी भी डी होगा। ठीक है, क्योंकि यह पैरेलल लाइन्स है, तो जो दो पैरेलल लाइन अगर सेम ही लेंथ में दिख रहा है तो OD का लेंथ अगर T है तो AC का लेंथ भी T है। अब यहां यह वाला लाइन हमें नहीं पता है, उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस BC को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर यह BC हमें मालूम हो जाए, ये वाला BC अगर हमें मालूम हो जाए, तो हम लोग सिंपली इसका इक्वेशन जो हमारे कंडीशन है उसको फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए उस BC को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म पढ़ते हैं tan थीटा। As we know that tan theta is equal to perpendicular by base होगा, तो यहां यह है इसका perpendicular यह हो जाएगा BC, perpendicular by base, perpendicular by base। ठीक है, या इस tan theta को एक दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ए बी लाइन का स्लोप जो होगा उसे भी हम लोग इस तरीका से। ठीक है, तो ये tan theta या tan theta जो है जो स्लोप है वह स्लोप यहां स्लोप ऑफ द लाइन ए बी विल गिव एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये सारे लैंग्वेज तुम्हें लिखने होंगे ऑफ द मूविंग बॉडी ए, मूविंग बॉडी विच इज ए, स्लोप मतलब स्लोप जब एक्सेलरेशन देगा तो एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो यहां हम लोग ए इज इक्वल्स टू पी
और P परपेंडिकुलर में यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर में P और P हो जाएगा BC, तो यहाँ P लिखने की जरूरत नहीं है, यह हो जाएगा हमारा B और C, बेस बेस हो जाएगा AC, देख रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक AC, तो बेस विल बी AC, नाउ दिस बिकम्स यहाँ पर देखो A is equals to BC को as it is BC ही लिखे because इसका हमको वैल्यू नहीं पता है, AC जो है वह P है, ठीक है, so BC is equals to यह T यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे AT, BC is equals to AT आ गया हमारे पास, ठीक है, अब आइए अब यह जो वेलोसिटी है वो क्या है जरा देखो, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अगर यहां तक है तो ये है, ये वाला टर्म हो गया ना यहां से लेकर यही हो गया ना उसकी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या है तो u ये यहां से ये प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, तो अब इस यहां OA OA पैरेलल टू CD है, तो OA इक्वल टू CD हो गया, अब यह BC का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, BC का वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या AT मिला, तो अगर अब हमें कंप्लीट वो फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या होगी, तो ये यहां से देखिए CD प्लस BC यही होगा ना, नाउ द फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू cd cd प्लस bc, ये v हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cd की बात हो तो cd कहां है ये देखिए, ये cd क्या है u है, ये u इसके पैरेलल ये रहेगा ये भी u हो जाएगा, तो cd इज इक्वल टू u प्लस bc, अभी हम लोगों ने यहां फाइंड आउट किया bc इक्वल टू kd यहां रख दिया, ठीक है, यह हमारा जो डिजायर इक्वेशन था द रिलेशन बिटवीन इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया इस तरीका से इसे प्रूव करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ टैन थीटा का लिखे हैं, इस टैन थीटा को अगर ना सब नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना पड़ता है, बट उसको दूसरे लैंग्वेज में हम यहाँ पर देख चुके हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप ऑफ द लाइन मतलब यहां से देखिए AB लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो यहाँ ये जो बता रहा है ये इसका स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यह आगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें इस चीज को किसी भी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो स्लोप की मेथड में कैसे ड्रॉ करते हैं वो है यहाँ पे, तो यहाँ वो जो थीटा है वो इस वेलोसिटी का, जैसे यह कभी यह वेलोसिटी एकदम से टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा और वही वो चेंज होते हुए ऐसा हुआ है, तो जो जिस एंगल से वह चेंज हुआ दैट एंगल विल रिप्रेजेंट एज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड दैट स्लोप इज द इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, बस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया स्लोप ऑफ द लाइन ए बी और फाइंड आउट करके ए बी हम लोगों ने किया और इसके बेसिस पर इस इक्वेशन को फाइंड आउट, ठीक है, अब इसके बाद अगर इक्वेशन की बात करें इसके बाद हमारे इक्वेशन से ये हो जाता है एस इज इक्वल टू ut plus half at square and the another one is b square is equals to u square plus 2as, यह दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को हम लोग नेक्स्ट ऐसे तो खुद से ट्राई करना इसे कंप्लीट करने का, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते रहिए बिकॉज जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में कंप्लीट मोशन चैप्टर का ये एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और बेहतर इस चीज को कंप्लीट कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है हालांकि उससे रिलेटेड को तुम लोग निमित्र पूछ चुके हो उसको हम बना चुके हैं, बट उस छोटा सा सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट सकते हैं